जनता की समस्याओं को सुने और उसका समाधान करें, ये एक मुख्यमंत्री संदेश नहीं देगा तो कौन देगा? और इस संदेश मात्र के ऊपर उनके खिलाफ इंक्वायरी बिठा दी गई है, इसकी जांच कराई जा रही है और यह धमकी दी जा रही है कि आपकी पारिवारिक मुलाकात यानी आपकी जो अपने परिवार से मुलाकात होती है वो भी बंद हो जाएगी, अपने वकील से जो आपकी मुलाकात होती है वो भी बंद हो जाएगी। कितनी खतरनाक बात है जरा सोचिएगा। अरविंद केजरीवाल जेल में रह के अपने परिवार का हालचाल नहीं ले सकते, अरविंद केजरीवाल जेल में रहकर अपने बीमार बूढ़े मां बाप का हालचाल नहीं ले सकते, उनके बारे में जानकारी नहीं ले सकते कि उनकी तबीयत कैसी है, ठीक है कि नहीं है। अरविंद केजरीवाल अपने वकीलों से अगर बात नहीं करेंगे तो अपना केस लड़ेंगे कैसे? किस जुर्म की सजा दे रहे हो आप अरविंद केजरीवाल को? यह कि उन्होंने दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की सेवा की, यहां के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम किया, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त बस की यात्रा, मुफ्त तीर्थ यात्रा, बुजुर्गों के चेहरे पे खुशी लाने का काम किया, माताओं बहनों को 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की, यह उनका अपराध है और इसके कारण आप उनको सजा देना चाहते हैं। लीगल मुलाकात होती है तो आप जान के हैरान हो जाएंगे, 8-10 पुलिस वाले उस लीगल मुलाकात में उनको घेरे खड़े रहते हैं। बताइए दुनिया के किस नियम में लिखा हुआ है, वकील से अगर बात करेगा उसका मुवक्किल तो उस दौरान उसकी बातचीत को कोई सुन नहीं सकता, यह जेल का नियम है। कहीं भी, सिर्फ दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूं, कहीं भी वकील और जो आरोपी है उसके बीच की बातचीत को कोई सुन नहीं सकता, यह कानूनी प्रावधान है। और बावजूद इसके आप 8-10 पुलिस वालों को अगल बगल खड़ा कर देते हैं, तो आप करना क्या चाह रहे हैं?